भाई देख सकते हैं थाली पे रस्सी पे चल रही है। लगा मुझे बहुत गलत लगा। क्यों गलत क्यों लगा भाई? चीजें काम करवा रहा है उसके पढ़ने की उम्र है जाएगी। नहीं तो पढ़ाई भी करती होगी ना वो। देखिए कितने लाइन से बैठे हुए हैं। बिल्कुल लाइन से बैठे, बिल्कुल कायदा बिलाज कानून से। राम राम, नमस्ते, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं 12:15 बजे और ये आप शोर को सुन रहे हैं। तो मैं चलो दिखाता हूँ आपको क्या शोर हो रहा है। ये गाइस आप ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलें चलते हैं अपन। जैसे कि देख रहे हैं सामने बैठ चुकी है वो गुड़िया। गुड़िया खड़ी हो गई है ऊपर रस्से पे। गाइस देख सकते हैं कैसे झूल रही है वो। उसको नीचे गिरने का सवाल ही नहीं क्योंकि नीचे संभालने के लिए खड़े हैं उसको। रस्सी के ऊपर डांस कर रही है, बहुत बढ़िया। बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है गाइस इसमें और अपन तो चढ़ ही नहीं पाए इस पे। देख सकते हैं कैसे झूल रही है गुड़िया बहुत ही अच्छी तरह से एक पैर के ऊपर। गाइस पीछे भी जा रही है, पहले आगे आई थी अब उल्टा जा रही है। ये भैया अपने श्याम ढाबा वाले प्रिंस श्याम ढाबा के नाम से है भैया, तो कभी ले चलेंगे इनके ढाबे पे। तो अभी फिलहाल सर्कस देखते हैं। क्या बात है, भी लगे हुए हैं मोबाइल बनाने। और गाइस ये भाई अपने कैसे भाई? भाई देखा आपने अभी और कर लिया, दिखाते फिर और। भीड़ लगभग बहुत काफी हो गई है इधर। तो भाई क्या लगता है आपको कितनी मेहनत करी होगी भाई गुड़िया ने? हाँ, यहाँ से ऊपर उसका शरीर बिल्कुल नहीं है, कमर से नीचे नीचे घूम रहा है, बाकी ऊपर तो हिल ही नहीं रही है। गाइस पहले नंगे पैर थी तो आप देख सकते हैं चप्पल पहन के झूल रही है। गाइस चप्पल पहन के कर रही है, बताइए, दिखाते हैं दर्शकों को कितने लाइन से बैठे हुए। बिल्कुल देखिए कितने लाइन से बैठे हुए हैं। बिल्कुल लाइन से बैठे, बिल्कुल कायदा बिलाज कानून से।
देख सकते हैं थाली पे रस्सी पे चल रही है गुड़िया। तो पहले उसके पापा खड़े थे नीचे, अब उसकी मम्मी खड़ी है नीचे संभालने के लिए उसको। क्या प्रैक्टिस रही है इनकी, बहुत गजब। तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं सामने थाली थाली से चल के पूरी रस्सी से इधर आ चुकी है ये गुड़िया। अब ये शायद खोल रहे हैं, निकाल रहे हैं ये। तो गाइस पूरा खोल लिया है इनने, देख सकते हैं सामने पूरा खोल लिया है। देखिए गाइस कितना लंबा शरीर खड़ा था नीचे से, तभी तो इतनी मजबूती से रस्सी बंधी हुई थी भैया की। कितने टाइम से कर रहे हैं ये भैया सर्कस दिखाने का वाला काम? इसके दादा पुरखा के, उसके दादा पुरखा के काम करते। अच्छा, दो तीन चार पीढ़ी से चला हुआ आ रही है। अच्छा चलो बढ़िया, और सब जगह जगह जाते हैं ना, गाँव में जाते हैं। अच्छा चलो आप आओ, पहले आ जाओ फिर मैं मिलते हैं ना, आप आ जाओ घूम के। तो गाइस एक गुड़िया को बुलाते हैं। गुड़िया इधर आओ, क्या चाहिए आपको? कौन सा चाहिए था गुड्डा, कौन सा वाला? ये कलर। ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये दिलवा दूं है ना। तो गुड़िया को गुड्डा पसंद आया, ये वाला टेडी बेयर पसंद आया, ये बड़ा वाला। तो बड़ा वाला तो अपन ले नहीं पाएंगे, छोटा वाला दिला देते हैं। और खाना खाया तुमने? नहीं खाया, खा लिया? खा लिया, और खाओगे कुछ? हाँ तो है ना। तो गाइस गुड्डा पसंद आया भैया गुड़िया को, टेडी बेयर, तो इनको देते हैं भैया, ये अपने जेपी भाई हैं। और टेडी बेयर दिया है, मस्त। कैसा लग रही है? अच्छा लग रही है, चलो बढ़िया। अच्छा और तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा, कुछ खा लोगे है ना? ठीक है, तो ये वीडियो में डाल सकता हूँ, वीडियो उसमें नेट पे डाल दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई ये हमारी बेइज्जती कर रहे थे वीडियो में तो। तो भाई ने सर्कस दिखा दिया है और अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो शर्मा जी कैसा लगा आपको सर्कस देख के? बहुत गलत लगा मुझे, बहुत गलत लगा। क्यों गलत क्यों लगा भैया? चीजें काम करवा रहा है, उसके पढ़ने की उम्र है जाएगी। नहीं तो पढ़ाई भी करती होगी ना वो, उसके उतरने के बाद तुमने उसका फेस नहीं देखा कैसा फेस था। तो भाई पढ़ाई भी करती होगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ाई करती होगी। उनसे पूछा? पूछते हैं अभी को पूछ। तो गाई जी ने भैया से पूछते हैं तो भैया ये पढ़ाई कर रही उड़ी नहीं कर रही है? भाई घर पे करती थी, घर पे करती है। के स्कूल नहीं जाती? घर पे जाती। घर पे जाती है तो मतलब ये घर नहीं है, मतलब इधर कहाँ पे रहते हो? अभी नहीं जाती, जो अभी हमारे गांव में है ना। हाँ वहाँ पे जाती है। कौन सा? तो अभी जाती है कि अभी ऐसी आई है? तो फिर कब से छोड़ दिया तुमने इसका स्कूल? तीन साल हो गए। तीन साल से स्कूल छोड़ दिया? तो इसको स्कूल पढ़ाओ ना यार भैया। यार कहाँ ठीक है, पर उससे ज्यादा तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को क्या है अभी उम्र पढ़ने की, ऐसा है ना। तो उनको पढ़ाओ बच्चों को, और तुम्हें करना है तो तुम कर रहे हो नौकरी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बच्चों को पढ़ाओ, अभी उम्र है उनकी पढ़ाने की, है ना। वही हाँ, मियाँ भी करो, तुम काम वाम करो अच्छे जो भी है, और बच्चों को उम्र है अभी पढ़ाने की, है ना, ठीक है ना। यार पढ़ाओ पहले बच्चों को, क्योंकि पहला होता है कि पढ़ाना चाहिए बच्चों को, फिर जो काम करना है वो करें। तो विक्रम से पूछते हैं क्या राय है इनकी? हमारे शर्मा जी ने राय दी थी पढ़ाने की, एक नंबर राय दी है। तो उन्होंने सर्कस दिखाया है और जा चुके हैं वैसे वो, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, कैसी सर्कस लगा, क्या लगा। तो अच्छा सर्कस दिखाया, गुड़िया छोटी सी थी, बहुत ही मेहनत लगती है इसके ये सर्कस दिखाने में, क्योंकि एक रस्सी पे अपन एक ईंट पे नहीं चल पाते, वो एक रस्सी पे चलिए, काफी प्रैक्टिस करी होगी गुड़िया ने। तो गाइस अंधेरा हो चुका है और मैं जा रहा हूँ थोड़ा कुछ काम से, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। गणेश और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए अंधेरे। तो गाइस तो लाइट जा चुकी है अपने गांव की, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है। तो चलिए
इधर आ गया। अरे बढ़ गया। तो गाइस भुनियाई को हम दिखाते हैं। ये मनोज भुनियाई है। बन गया है जिनके भी मार। तो इधर देख लो। हाँ भैया ये हमारा विक्रम भाई और क्या मुंडी ला रही है मुंडी में। तो गाइस फिर हम चलते हैं। फरहान भाई ने हमको एक काम दिया है और जर्किन दी है, कहना कि अपने रेहान भाई को दे देना अनिवार्य है। तो मतलब यकीन नहीं है भाई को, जब तक हिलेगा नहीं जब तक मैं चले नहीं जाऊं। भाई की इतनी चिंता है। ये देखिए आप ये मुंह कैसा बना रही है, ये देखिए ये क्या हो गया इधर, हाथ दबाया जा रहा है इधर, हाथ पैर दबाया नहीं, हाथ तो मेरा ये है तो ये तो इसका हाथ दबा रही है, वो किन वर्किन में लेके जा रही है और हाथ सेवा इसकी हो रही है। देखो देख सकते हैं आप कितनी ना इंसाफी है। तो ठीक है चलते हैं जर्किन दे के, अभी तो फिलहाल हम देते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। पेट्रोल पंप आ चुके हैं अपने स्वेटर देने के लिए। ये अपने प्रकाश भाई, ये आ रहा है अपने रेहान भाई, इनको स्वेटर देनी है और फिर निकलते हैं। और रेहान भाई कैसे हैं? बस भाई बढ़िया, आप ठीक हो? बस बढ़िया, ठीक है ठीक है भाई। निकले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके भाई। सो गाइस पेट्रोल डलवा रहे हैं भाई साहब, डाल रहे हैं अपने रेहान भाई। भाई ठंड तो इतनी ये नहीं है, तुम्हें स्वेटर की जरूरत कैसे पड़ गई? क्योंकि रात भर जगोगे हैं। हाँ इसलिए, चलो ठीक है ठीक है, निकले फिर। ठीक है पेट्रोल डलवा लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से। गाइस निकलते हैं अब।